हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी 11X 5G फ़ोन। इस फ़ोन का आज मैं हार्ड रीसेट करके बताऊंगा कि इस फ़ोन को किस तरीके से आप इजीली तरीके से हार्ड रीसेट कर सकते हैं। आपका फ़ोन अगर हैंग करता है या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करके आप अपने फ़ोन का लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पावर बटन प्रेस करने के बाद फ़ोन ऑफ नहीं होता है, इस तरीके गूगल असिस्टेंस का ऑप्शन आता है और पावर के साथ वॉल्यूम डाउन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट हो जा रहा है, फ़ोन ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं आता है। पावर और वॉल्यूम अप प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अभी आपको ऑफ़ कर लेना है इस फ़ोन को। तो पूरा हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं किस तरीके से आप इस फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले फ़ोन को ऑफ़ कर लेता हूँ, पावर और वॉल्यूम अप प्रेस करके ये फ़ोन ऑफ हो गया। ओके, ये देखिए ऑफ हो रहा है। अब दोस्तों ये वाला प्रोसेस आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए पावर बटन प्रेस करके वॉल्यूम डाउन प्रेस करना, पावर बटन पहले, उसके दो सेकंड के बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर दीजिए और इस तरीके का रियलमी का लोगो आते हैं, पावर से फिंगर को रिलीज कर देना है और वॉल्यूम डाउन कंटिन्यू दबाए रखिए जब तक रिकवरी मोड में ना चल जाए। तो यहाँ पर अभी थोड़ा दोस्तों वेट करना है और ये फ़ोन देखते हैं रिकवरी मोड में चल जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको चाइनीज़ वगैरह लैंग्वेज में आ गया है, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एक कोड आ गया 2769, ये कोड यहाँ पे डायल करना है। ओके, डायल करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट कर दीजिए, ये फ़ोन जो है पूरा वाइप हो जाएगा और दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ओके कर दीजिए, फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। अब ऑटोमेटिक ऑन होगा तो फेशन बनाए रखिए, फ़ोन को ऑन होने दीजिए तो फ़ोन का जितना डाटा वगैरह है सारा चीज़ इसमें क्लीन हो जाएगा। आपका अगर हैंग वगैरह करता है तो वो भी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो प्रोसेस है इसमें 5 से 10 मिनट टाइम लग सकता है तो पेशेंट बनाए रखिए, फ़ोन को ऑन होने दीजिए पूरा, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर ऑफ या फिर चार्जिंग वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप अगर इस फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं तो लगभग ये मेरा 6 मिनट के अराउंड ये जो फ़ोन है ऑन हो गया है, इस तरीके का होम पेज में आ गया है, हेलो लिखा हुआ। अब यहाँ पे इसे क्या करना है ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो करके ऑप्शन आ गया, यहाँ पर एरो पे प्रेस करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है इंग्लिश सेलेक्ट करके। यहाँ पर देखिए इंडिया करके यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टर्म एंड कंडीशन पे टिक कर देना है चारों को और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सिम इंसर्ट करने बता रहा है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है तो आपका फ़ोन में अगर जीमेल आईडी पासवर्ड था तो आप वाईफाई कनेक्शन कर लीजिए, मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम क्लीन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, स्किप करता हूँ। तो जितना भी स्किप आएगा स्किप करते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है। ओके, और आखिरी में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप कम्प्लीट का, यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड रियलमी UI, तो इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोन का जो लॉक है पूरा ओपन हो जाएगा और इस तरीके से ये हार्ड रीसेट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू गाइस।